गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज आरके वर्मा। टुडे आई विल एक्सप्लेन यूनिट टू कंप्यूटर फंडामेंटल फॉर क्लास 9। और इसके पहले आप लोग को इंग्लिश का चैप्टर था जिसे आप लोग ने अच्छे से पढ़ा और समझा। अब हम कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करेंगे और कंप्यूटर फंडामेंटल में जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक मोस्ट निर्मित टूल जिसका यूज हम लोग हर एक फील्ड में करते हैं। और ये कंप्यूटर इनपुट को लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट को देता है। ठीक है, अब इसमें हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कम्बिनेशन होता है, जिसमें कंप्यूटर के वो सारे पार्ट जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे हार्डवेयर कहलाते हैं, और जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं और उस पर काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेट्रा। क्योंकि बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर नहीं काम करेगा। इट मीन्स बोथ आर डिपेंडिंग टू ईच अदर। अब देखिए बात आती है कि कंप्यूटर का क्यों और कहाँ यूज होता है। आज के समय में कंप्यूटर के बिना हम लोग अपंग हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों को काम करना तो आता है लेकिन हम लोग पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है और इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि उस काम को हम लोग अंजाम तक पहुंचा सकें। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, थोड़ा बहुत काम करने के बाद क्या हो जाता है, थक जाते हैं। ठीक, अभी हाल ही के शोध में देखा गया है, एक बच्चे को मैंने लर्न करने के लिए दिया, वो कुछ देर तक तो लर्न किया, लर्न करने के बाद कहता है सर अब नहीं, अब मैं आगे लर्न नहीं कर पाऊँगा। और फिर जो भी लर्न इसने किया था, कुछ दिनों बाद मैंने इससे पूछा तो उसमें भी जो इसने लर्न किया था वो भी काफ़ी पार्ट ये भूल चुका था। इसलिए इन सारी दिक्कतों से बचने के लिए हमने क्या किया, कंप्यूटर का यूज़ किया। कंप्यूटर में जो भी चीज़ें मैंने एक बार बना के रख दी वो परमानेंट स्टोर हो गई तब तक जब तक कि वो हमारा कंप्यूटर है। ठीक, अब देखिए आज के समय में ये कहाँ यूज होता है, बैंक में यूज होता है। और उस बैंक में क्या यूज होता है, सारे कस्टमर क्या रिकॉर्ड सेव करके रखते हैं, बैंक का ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन को सेव करके रखते हैं, ताकि बाद में ये ना हो कि आपने अगर 50,000 जमा किया है और हम आपको बोले कि नहीं आपने 45,000 रुपये जमा किया है। तो सारे एविडेंस के साथ कंप्यूटर में हम लोग उस चीज़ को रखते हैं। और आज के समय में कम्युनिकेशन में भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। उस कम्युनिकेशन में क्या चीज़ होता है, जैसे हम लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं एक्सेट्रा, इन सारी जगह ये हमारा कंप्यूटर यूज होता है। ठीक, अब देखिए मेडिकल साइंस और हेल्थ केयर में भी कंप्यूटर का यूज होता है, क्योंकि मेडिकल साइंस और हेल्थ केयर में कंप्यूटर का यूज इस प्रकार से होता है कि जो भी हम लोग मेडिसिन बना रहे हैं वो मेडिसिन हम लोग कंप्यूटर में चेक कर लेते हैं कि ये कैसा काम करेगा कैसा काम नहीं करेगा। ठीक है, हेल्थ केयर में इसका यूज़ होता है। आजकल हम लोग घर में ही बैठ करके एक्सरसाइज कर लेते हैं, और वो एक्सरसाइज हम लोग कहाँ से देख पाते हैं, कंप्यूटर से ऑनलाइन। एजुकेशन में आज के समय में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है कि हम लोग कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। असाइनमेंट बना सकते हैं एक्सेट्रा। मीडिया की बात करें तो आज के समय में हम लोग जो भी लाइव टेलीकास्ट होते हैं, सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करने के बाद हम कंप्यूटर के थ्रू उसको और अच्छा बना करके पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रेवल एंड टिकट बुकिंग में एक समय था जब हम लोगों को लंबी लाइन लगा करके ट्रेन के लिए टिकट बुक कराना पड़ता था, लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है कि आज हमको लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, घर ही बैठे आप उनके पोर्टल पर जाइए और क्या स्टेटस है, कौन से ट्रेन में सीट खाली है, कौन से ट्रेन में सीट नहीं खाली है,
आप यहीं का बैठे बैठे बुक कर सकते हो। फिर आपके आ गया वेदर प्रिडिक्शंस। वेदर प्रिडिक्शन में क्या होता है कि पॉसिबल बाय द एक्सपर्ट्स यूजिंग सुपर कंप्यूटर। इससे आप लोग वेदर की इंफॉर्मेशन को ले सकते हो, जिससे आप कहाँ का क्या टेम्परेचर है, क्या है नहीं है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। स्पोर्ट की बात करें तो खेल कूद में कंप्यूटर आज बहुत आगे है, क्योंकि मेनी टाइम्स जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते खेलते क्या होता है कि क्रिकेटर बैट्समैन रियली आउट हुआ है कि नहीं आउट हुआ है, कभी कभी अंपायर से भी गलती हो जाती है। तो उस वक्त कंप्यूटर से हम लोग रिव्यू करके उसके एक एक सेकंड की पूरी इंफॉर्मेशन देख पाते हैं कि वो वाकई में आउट हुआ था कि नहीं हुआ था, कैच हुआ कि नहीं हुआ, कैच लाइन पे हुआ कि लाइन के अंदर हुआ कि लाइन के बाहर हुआ, वो सारी चीज़ें। और आर्ट एंड एंटरटेनमेंट की बात करें तो कंप्यूटर यहाँ भी यूज होता है। सपोज दैट अगर हम आर्ट पेपर पे बनाते हैं, गलत हो गया तो हम लोग रबड़ से मिटाते हैं, तो कई बार मिटाने पर वो पेपर में वो क्वालिटी नहीं रह जाती है। लेकिन कंप्यूटर में क्या है, आप कितनी बार भी मिटाइए और जब आपका सही हो जाए तब फिर आप ओके कर दीजिए, उसको इरेज करिए, मिटाइए, इरेज करिए, फिर से लिखिए, इरेज करिए, ड्राइंग करिए, सब कुछ करिए, और जब आपका अट्रैक्टिव बन जाए तो उसको सेव करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और इंटरटेनमेंट में पहले हम लोग क्या खेलते थे, चंदा पौआ खेलते थे, लकड़ी का बना करके पासा खेलते थे, लेकिन आज के समय में हम लोग चेस खेल सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, सब्वे सफ़र खेल सकते हैं, वो सारी चीज़ें इंटरटेनमेंट की हम इसमें कर सकते हैं, और साथ ही मूवी भी देख सकते हैं। ये रहे हमारे आज के समय में कंप्यूटर का यूज। मोबाइल कंप्यूटिंग की बात करें तो मोबाइल कंप्यूटिंग में क्या होता है कि मोबाइल कंप्यूटिंग में मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग इज द ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन बाय विच कंप्यूटर इज प्रेस्ड टू बी ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग द नॉर्मल यूजेस। इसमें हमारा मोबाइल जो कम्युनिकेशन है, इसमें हार्डवेयर, मोबाइल का सॉफ्टवेयर और मोबाइल कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ इसमें हम कर सकते हैं। और मोबाइल कंप्यूटिंग इज अ वेराइटी ऑफ वायरलेस डिवाइस दैट अलाउ पीपल टू कनेक्ट द इंटरनेट वायरलेस ट्रांसमिशन, ठीक है। और इसमें लोग पर्सनल डिजिटल असेसमेंट इज स्मॉल यूजली साइज कंप्यूटर मोस्टली, ठीक है। स्मार्टफोन का यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, और कंप्यूटर का यूज हम लोग साइंटिफिक रिसर्च में कर सकते हैं। यहाँ तक कि मोबाइल कंप्यूटर का लाइसेंस कि अगर हमारा मोबाइल कंप्यूटर खराब होता है, मोबाइल ख़राब होता है, तो मोबाइल को ठीक करने के लिए भी हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जहाँ आप मोबाइल बनवाने जाते होंगे देखते होंगे तो मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर डालना है तो कंप्यूटर के थ्रू हम लोग मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, चिप में गाने भर सकते हैं, वीडियो भर सकते हैं, ऑडियो भर सकते हैं, एक सकते हैं। रिसर्च में लोग का कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटिंग इज नॉट अलाउड कंप्यूटर एनी मोर इज
लिविंग। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है कि उसका यूज केवल हम लोग थोड़ी चीज़ों के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए कर सकते हैं। इसीलिए इसको कर सकते हैं वर्सेटिलिटी। क्या कर सकते हैं? वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब एक डिवाइस का यूज नंबर ऑफ चीज़ों में हम कर सकें, दैट इज कॉल्ड वर्सेटिलिटी। ठीक है, और गवर्नमेंट में इसका यूज होता है, पब्लिशिंग में यूज होता है। ठीक है, पब्लिशिंग इन द सेंस कि आपको बुक छापने के लिए, बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें हैं, मैगजीन है, पेपर है, एक्सेट्रा। डेली लाइफ में हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जैसे इंटरनेट से हमें कोई न्यूज़ देखनी है, या कोई इम्पोर्टेंट वर्क करना है, हेल्पिंग करनी है, मेल करना है, और कुछ भी चीज़ लिख करके उसका प्रिंट आउट निकालना है, एक्सेट्रा। तो ये हमारी सारी चीज़ें डेली लाइफ में यूज होती हैं। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर का जो हमारा पार्ट है, जैसा मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर रिफर्स ऑल द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के वो सारे पार्ट जिनको हम लोग फिजिकल पार्ट है, उसमें हमारा इनपुट डिवाइस आता है, प्रोसेस आता है, स्टोरेज डिवाइस आता है, एंड आउटपुट डिवाइस आता है। जैसे दीज आर कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, केबल, प्रिंटर, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। वाई वी से दीज आर द हार्डवेयर? बिकॉज वी कैन सी एंड टच ऑल दिस पार्ट। नाउ अब इन हार्डवेयर को भी हमने तीन भाग में डिवाइड किया हुआ है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। अब देखो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या हो गया हमारा? मदरबोर्ड। अब देखिए मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड एक लार्ज सर्किट होती है जो हमारे सीपीयू के अंदर होती है। उसमें हमारे कुछ इनपुट डिवाइस लगे होते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइस लगे होते हैं, और इन इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए ये हमारा काम करता है। और इन सबको कंट्रोलिंग के लिए हमारा काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो नेसेसरी टास्क को कंप्लीट करने में मदद करता है। अब देखिए नेटवर्क क्या होता है? जब कोई नंबर ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, और तो इस तरह के इन्वायरमेंट को हम लोग नेटवर्क कहते हैं। और नेटवर्क में भी हमारे दो प्रकार का होता है, एक होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, एक होता है वर्क स्टेशन, जिसे हम लोग पीयर टू पीयर नेट नाम से भी जानते हैं। सर्वर कंप्यूटर क्या होता है कि एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कई सारे कंप्यूटरों को अकेले हैंडल करता है, जैसे प्रिंटर सर्वर, डीएनएस सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर, एक्सेट्रा। वर्क स्टेशन क्या होता है? वर्क स्टेशन एक सिंपल क्लाइंट होता है जो अपनी इंफॉर्मेशन को एक लोकल नेटवर्क पे सेंड करने की अथॉरिटी रखता है। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है? कम्युनिकेशन चैनल का मतलब होता है कि जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ता है तो कम्युनिकेशन होता है। लेकिन ये कम्युनिकेशन किस तरह से होता है? कम्युनिकेशन करने के लिए या तो हम वायर का यूज़ करेंगे या तो वायर का नहीं यूज़ करेंगे। अगर हम वायर का यूज़ करते हैं तो उसे बोलेंगे वायर्ड कम्युनिकेशन, और जिसमें वायर का यूज़ नहीं करेंगे वो कहलाएगा वायरलेस कम्युनिकेशन। और वायर कम्युनिकेशन में हमारा लैन केबल का यूज़ होता है, RJ45 कनेक्टर यूज़ होता है, जबकि वायरलेस कम्युनिकेशन में हमारा ना RJ45 कनेक्टर का यूज होता है, ना ही लैन केबल का यूज होता है। इसमें हम लोग वाईफाई डिवाइस का यूज करते हैं, वाईफाई लैन होता है, और वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट हमारा स्विच की तरह काम करता है, जिस पे हमारा डेटा का ट्रांसफर होता है। और इस पे सिग्नल सिग्नल लगे होते हैं जो जिससे हम लोगों का डेटा कम्युनिकेट करता है। अब आता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट हैं? तो देखिए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हम आपको बता दें ये पार्ट है और ये डिस्क्रिप्शन है।
इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस हमारा क्या आता है, माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन। क्यों कहा गया इनको इनपुट डिवाइस? क्योंकि माउस से हम जो भी क्लिक करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे सीपीयू तक जाएगी। कीबोर्ड को इनपुट क्यों कहा गया है? क्योंकि कीबोर्ड से हम जो भी लिखेंगे वो सीपीयू तक जाएगी। माइक्रोफोन से हम जो भी बोलेंगे, ये हमारा माइक्रोफोन है जिससे हम लोग बातें कर रहे हैं, ये दिस इज कॉल्ड माइक्रोफोन। इस माइक्रोफोन से हम जो भी बात करेंगे वो हमारे सीपीयू तक जाएगी, ठीक है। और भी हमारे कुछ डिवाइस है इनपुट, जिससे हम लोग बोलते हैं स्कैनर, वेबकैम। स्कैनर का यूज आप लोग जानते हो, हार्ड कॉपी को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में बदलता है और सीपीयू तक पहुंचाने में मदद करता है। वेब कैमरा चल पिक्चर को खींच करके हमारे सीपीयू तक पहुंचाने में मदद करता है। स्टाइलस, स्टाइलस क्या है? ये हमारे एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पेन की तरह यूज होती है, और पेन का एक पॉइंट हमारे सीपीयू में यूपीएस यूएसबी के थ्रू लगा होता है, जिसके थ्रू हम कनेक्ट करके स्क्रीन पे जो भी लिखेंगे वो हमारा सीपीयू उसको एक्सेप्ट करता है। अब आउटपुट की बात करें तो हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सारे एग्जांपल किसके हमारे आउटपुट के हैं। अब ये आउटपुट के जो एग्जांपल हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हो मॉनिटर से क्या होता है, सीपीयू से जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है प्रोसेस होने के बाद मॉनिटर में डिस्प्ले करती है, ठीक है। प्रिंटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो इमेज कंप्यूटर पेपर को अदर डिवाइसेस में प्रिंट आउट निकालती है, ठीक है। अब सीपीयू की बात कर लें तो सीपीयू क्या है, सीपीयू एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, और ये हमारा सेंटर में लगा होता है जो इनपुट और आउटपुट दोनों की कंट्रोलिंग करता है। और इसके अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं उनके नाम है रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, एक्सेट्रा। तो अब रैम क्या है, रैम एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हमारा डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है, ठीक। और रोम क्या होता है, रोम भी प्राइमरी मेमोरी है, वो हमारे मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती है और उसके अंदर हमारी चीज़ें थोड़ी मात्रा में होती हैं और इतनी ही होती हैं कि वो हमारे कंप्यूटर को ऑन करने में मदद करती हैं। फ्लैश मेमोरी क्या है, ये एक प्रकार से स्टोरेज डिवाइस है, जैसे लोग रैम वो पेन ड्राइव होती है ना। कंप्यूटर इज टर्न ऑफ लाइक रोम, यू कैन इरेज और मॉडिफाई स्टोर इन्फॉर्मेशन। फ्लैश मेमोरी में हम लोग उसमें इरेज कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। मदरबोर्ड, हमने आपको अभी भी बताया है कि मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड मेन सर्किट होती है जिसमें कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के सारे पार्ट्स जुड़े होते हैं। एक्सपेंशन कार्ड क्या होता है, जब हमारे मदरबोर्ड में कोई सामान खराब हो जाता है या अगर हमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें जोड़नी होती है तो हम लोग एक्सपेंशन कार्ड का यूज करते हैं, जैसे NIC हो गया, वीडियो हो गया, साउंड कार्ड हो गया। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है कि हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ें स्टोर करते हैं, जैसे CD में हो गया, DVD में हो गया, पेन ड्राइव में हो गया, कॉपी में हो गया, ये सारी डिवाइसेस जिसमें डेटा को हम स्टोर कर सके वह स्टोरेज डिवाइस कहलाती है, जिसके नाम क्या है, DVD हो गया, CD रोम हो गया, DVD राइटर हो गया, एक्सेट्रा। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं पोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जब भी कंप्यूटर में कोई भी चीज़ जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, उन्हीं को हम लोग कहते हैं पोर्ट और कनेक्टर्स, कनेक्शंस, ठीक है। अब देखिए यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट एक ऐसा पोर्ट होता है जिस पे हम लोग पेन ड्राइव लगा सकते हैं, प्रिंटर की केबल लगा सकते हैं, और स्पीकर का यूएसबी पोर्ट लगा सकते हैं, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग USB वाले पोर्ट में लगा करके उसका यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले अडाप्टर लगा सकते हैं, पावर लगा सकते हैं, और इसके कनेक्टर भी होते हैं, डिस्प्ले कनेक्टर हो गया, पावर कनेक्टर हो गया, नेटवर्क पोर्ट का कनेक्टर हो गया, एक्सेट्रा। अब कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करेंगे, यूनिट सेक्शन 3। अब देखिए इसमें हम आपको बता दें, देखिए हमारा सीपीयू किस प्रकार से काम करता है, इसे हम लोग कहते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इसे क्या कहेंगे, ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम।
ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में देखो, ये हमारा इनपुट डिवाइस है और ये हमारा इनपुट डिवाइस है, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, ये हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें इनपुट के थ्रू हम लोग डेटा को देते हैं, सीपीयू में उसका प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर आउटपुट में निकलता है, ठीक है। और फ्लो ऑफ डेटा यहाँ चालू होता है और फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ से। अब देखिए, हम आपको सीपीयू का बैक पॉइंट दिखलाते हैं, बैक पैनल। इस बैक पैनल पे क्या क्या पार्ट्स है, देखिए PS2 पोर्ट, जिसमें हम लोग USB और PS2 दो पोर्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग देखिए, जो ग्रीन वाला है इसमें हम लोग माउस लगाते हैं, और जो पर्पल कलर का है इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, कीबोर्ड लगाते हैं। ये सीरियल पोर्ट है जिसका यूज हम लोग स्विचेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए होता है। और यहाँ पर VGA, यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले कार्ड लगाते हैं जो हमारे मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है। ये हमारा USB पोर्ट है, ये और ये है लैंड कार्ड जिससे हम लोग इंटरनेट चलाते हैं। ये हमारे ऑडियो जैक है तीनों, ठीक है। और ये हमारा पावर सप्लाई का कनेक्शन है इस पॉइंट पे, और ये हमारा पावर सप्लाई का फैन है। जब SFPR चलता है तो यहीं से हवा अंदर जाती है और हमारे पार्ट्स को ठंडा करने में मदद करती है। ये हमारे पोर्ट एंड केबल है, ये देखिए, ये वाला जो है USB पोर्ट है, ठीक है। ये हमारा फायरवेयर पोर्ट और केबल है। फायरवेयर पोर्ट का मतलब ये होता है कि आप इसका यूज फायरवेयर टेक्नोलॉजी में कर सकते हो, ठीक है। और ये RJ45 कनेक्टर है जिसे हम लोग इथरनेट पोर्ट कहते हैं, जिसमें डेटा का ट्रांसफर हमारा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में होता है। अब देखिए, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि मॉनिटर, स्क्रीन, CPU, कैबिनेट, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर। बात करिए टाइप ऑफ कंप्यूटर की, बात करें तो है क्या कि आज के समय में कंप्यूटर का यूज़ अलग अलग तरीके से करते हैं, और अलग अलग तरीके से इन द सेंस कि घर के लिए अलग कंप्यूटर होता है, ऑफिस के लिए अलग होता है, और बड़े बड़े बिजनेस के लिए अलग कंप्यूटर होता है। उस हिसाब से हम इसको मार्केट से परचेज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टाइप ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो क्या क्या है, देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर किसे कहते हैं, लैपटॉप किसे कहते हैं, जो पोर्टेबल हो, एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से रखा जा सके और लाइट वेट हो, ऐसे कंप्यूटर को पोर्टेबल कंप्यूटर कहते हैं। और डेस्कटॉप कंप्यूटर मेड अप इंडिविजुअल कंपोनेंट, मॉनिटर, कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट, प्रिंटर, सब चीज़ों को जोड़ करके जो कंप्यूटर बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। हैंड हेल्ड कंप्यूटर, वो कंप्यूटर जो आपके हाथ में आसानी से आ जाए, ठीक है। स्पेसिफिक टास्क के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, टेलीफोन, वो टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर आर फुली फंक्शनल कंप्यूटर दैट अलाउ यू राइट डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन बाय यूजिंग अ टेबल पेन। यू कैन ऑल्सो यूज अ टेबल पेन। रोल ऑफ मेमोरी, अब देखो मेमोरी का कंप्यूटर में क्या यूज है, सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी की जरूरत पड़ती है, और मेमोरी का जो कैलकुलेशन होता है वो हमारा बिट बाइट किलो बाइट मेगा बाइट गीगा बाइट में होता है। मेगा बाइट
बिट ये सब उनके क्या हैं नाम है, और बिट सबसे छोटी यूनिट होती है, उसके बाद हमारा बाइट होता है और किलोबाइट होता है, उसके बाद मेगाबाइट होता है और फिर गीगाबाइट होता है। ठीक है, अब सीपीयू की स्पीड, हार्ड डिस्क फैक्टर, रैम, ये तीन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रैम में हार्ड डिस्क और सीपीयू स्पीड, ये तीनों हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जो जिससे हमारे कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होती है और वर्किंग अच्छी होती है। अब आ जाइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, तो देखिए वर्ड प्रोसेसिंग एंड पब्लिशिंग प्रोग्राम, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब हमारे वर्ड के ही पार्ट हैं, एमएस वर्ड। ठीक है, इसमें लोग टाइपिंग कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम क्या होता है कि प्रेजेंटेशन में हम लोग पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, स्प्रेडशीट में एक्सेल का यूज करते हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, डेटाबेस प्रोग्राम में हम लोग डेटाबेस बनाना सीखते हैं और ग्राफिकल में हम लोग ग्राफिक्स बनाना सीखते हैं। हाँ, आप कम्युनिकेशन प्रोग्राम में क्या करते हैं, जस्ट यू सी द टेलीफोन, आपको पोस्टल मेल आर कम्युनिकेट विथ फ्रेंड एंड फैमिली। कम्युनिकेशन में हम लोग ईमेल का यूज़ करते हैं, ईमेल में क्या होता है कि हम लोग अपने कोई भी लेटर लेकर के दूसरे की ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, जिसमें हम लोगों का क्या करता है कि यूज़र नेम @gmail.com ऐसे करके होता है, जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। ये जैसे rkvnaini@gmail.com, ठीक है, दिस इज़ द ईमेल आईडी, और आप इस ईमेल आईडी से दूसरी ईमेल आईडी में मैसेज भेज सकते हैं। चैटिंग क्या होती है, वेन वी कैन सेंड सम मैसेज टू अनदर कंप्यूटर वाया कम्युनिकेशन, देन इज नोन एज चैटिंग, टेक्स्ट मैसेज। सेशन फाइव की बात करें, यूजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर नॉलेज की बात करूँ तो इसमें देखो पोस्ट, पावर ऑन सर्किट, कंप्यूटर जब हमें स्टार्ट होता है तो क्या करता है, पावर ऑन सर्किट होता है इसमें। अब पावर ऑन सर्किट में क्या होता है, पावर ऑन सर्किट में हमारा कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है वो सारी चीज़ चेक करता है कि हमारे कंप्यूटर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है, अगर कनेक्ट नहीं है तो एक बीप करके वो हमारे सामने रुक जाता है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डेस्कटॉप इज अ कंप्यूटर डिस्प्ले एरिया वेयर कंटेन वेरियस ऑब्जेक्ट ऑन मे फाइंड ऑन द कंप्यूटर, उसमें हमारा माई कंप्यूटर है, रिसाइकिल बिन है। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये हमारा डेस्कटॉप है, ये इसमें देखो हमारा क्या है, माई कंप्यूटर है, नेटवर्क प्लेस है, रिसाइकिल बिन है, जूम ऐप है, नोट पैड है, फायरफॉक्स है, और भी बहुत सारी चीज़ों का यूज़ हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हमारे डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप में हमारा बैकग्राउंड भी है। ठीक, अब डेस्कटॉप मैंने बता दिया कि ये कैसा एरिया है जहाँ पर हमारे कंप्यूटर के सारे आइकन दिखलाई देते हैं। ये देखिए यहाँ पर है, सारे आइकन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्ट बटन कहते हैं, और ये क्विक एक्सेस टूल बार, और ये हमारा टास्क बार है, ये हमारा डेट एंड टाइम के बारे में डिस्प्ले करता है। ये हमारी ड्राइव है, ड्राइव क्या होता है, जहाँ पर हम लोगों की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसे हम लोग ड्राइव कहते हैं, और उसको हम लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, एफ ड्राइव, जी ड्राइव, एच ड्राइव, आई ड्राइव, जे ड्राइव, एल ड्राइव। ये फोल्डर है और ये फाइल है, फोल्डर के अंदर हम लोग कई सारी फाइलों को रख सकते हैं, फाइल में आइकन बने होते हैं अलग अलग चीज के, अगर पीडीएफ फाइल है तो उसका अलग आइकन होगा, ODF है तो अलग होगा, ये फोल्डर का आइकन है, वो टेक्स्ट फाइल का आइकन है, इस पर फोल्डर
फोल्डर और फाइल में अंतर क्या होता है कि फोल्डर एक प्लेस होता है जिसमें हम लोग फाइल को रख सकते हैं, और फाइल क्या होता है, फाइल एक ऐसा प्लेस है जिसमें हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को राइट डाउन करके सेव कर सकते हैं। मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर, परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशन, वर्ड डॉक्यूमेंट, इमेज, एक्सेल, एग्जीक्यूटिव फाइल, ये इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, हर एक फाइल का एक एक्सटेंशन होता है जिससे वो ये बताता है कि हमारी किस प्रकार की फाइल है। जैसे वर्ड की फाइल है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .doc या .docx। इमेज की फाइल है तो .gif या .jpg। एग्जीक्यूटिवल फाइल है तो .exe होगा, और मल्टीमीडिया फाइल होगा तो .wma और अदर कुछ होगा। ये सारी चीज़ें जैसे यहाँ पर देखो, billgate.jpg ये हमारी इमेज की फाइल है। ठीक है, थॉट ये देखो टेक्स्ट फाइल है तो देखो .txt लिखा हुआ है। रीनेम फाइल, फाइल का जब आपको नाम चेंज करना हो तो आप फाइल पे राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको रीनेम आ जाएगा। ठीक है, आप रीनेम से चॉइस करके, ये देखिए यहाँ पर रीनेम आ गया है, ये रीनेम है, और रीनेम पे आप नाम लिखो, हाँ ये लिखा और एंटर कर दो, आपका फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। कॉपी पेस्ट करने का मतलब क्या होता है, फाइल से कॉपी करो और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते आप क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। रीनेम ए फोल्डर, फोल्डर का नाम चेंज करना, क्या कहलाता है, रीनेम ए फोल्डर। कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है, और कंट्रोल एक्स से कट होता है। अगर हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल सी कर सकते हैं या तो कंट्रोल एक्स कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल एक्स और कंट्रोल सी में अंतर ये होता है कि अगर हम कंट्रोल सी करेंगे तो फाइल हमारी दोनों प्लेस पर रहेगी, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, लेकिन कंट्रोल एक्स करेंगे तो सोर्स से हट जाएगी, केवल डेस्टिनेशन पर रहेगी। और नंबर ऑफ फाइल को चूज़ करने के लिए शिफ्ट दबा करके या कंट्रोल दबा करके हम फाइल को चूज़ कर सकते हैं। द इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है, यूज़ ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के बिना आजकल हमारा सारा चीज़ अधूरा है, और इंटरनेट को देखिए कहाँ कहाँ होता है। ये इंटरनेट हमारा एजुकेशन के लिए होता है, घर के लिए होता है, ऑफिस में कम्युनिकेशन करने के लिए होता है, लाइव में होता है, टीवी में होता है, डेटा शो करने के लिए होता है, शेयर मार्केटिंग के लिए होता है, एक्सेट्रा। अब इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP, और एक मॉडेम की जरूरत होती है, और एक कंप्यूटर की जरूरत होती है, और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है, और ये वायर के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन हुआ है। बस ये सारी चीज़ें अगर हों तो हम लोग इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, सर्च इंजन, सर्च इंजन किसे कहते हैं, सर्च इंजन जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन को सर्च कर सके, जैसे गूगल। ठीक है, गूगल सर्च इंजन, याहू सर्च इंजन, इस पर हम जो भी इंफॉर्मेशन लिखेंगे वो सर्च हो जाएगी। जैसे मैं आपको अभी करके दिखलाता हूँ, देखिए क्या करिए, सबसे पहले गूगल के लिए और गूगल पे आइए, यहाँ पर लिखिए गूगल, और यहाँ पर लिखिए इलाहाबाद न्यूज। देखिए आपके सामने इलाहाबाद की न्यूज आ गई। ठीक है, डॉक्टरों में 3 डॉक्टर, 2 नर्स समेत 57 नए संक्रमित।
ये हो गए 50 लोगों की मौत, जिले में मृत्यु का आंकड़ा 30 के पार। पुलिस ने पेश की जांच, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इलाहाबाद से रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई, ठीक। तो ये तरीका हो गया आपको सर्च करने का। फिर आ जाइए नीचे, WWW क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए अब क्या है कि अभी हम लोग जैसे इंटरनेट खोले हुए हैं तो ये भी सारी चीज़ें, ये देखो www.amarujala.com, www.livehindustan.com, जब भी कोई न्यूज़ खुलती है www.bharat.com, तो उसके आगे क्या है, ये एक प्रकार से हमारा क्या है, मीडिएटर है, ठीक है। ये हमारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से खोज करके हमारे सिस्टम तक पहुंचाती है और सिस्टम की इंफॉर्मेशन दूसरे प्लेस तक पहुंचाती है, ठीक है। वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर हमारा एक प्रकार से सॉफ्टवेयर है जो हमें इंटरनेट खोजने में मदद करता है। जैसे ये हमारा क्या है, गूगल क्रोम, ये एक हमारा वेब ब्राउज़र है। मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स क्या है, वेब ब्राउज़र है। ये क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक वेब ब्राउज़र है। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें इंटरनेट चलाने में मदद करेंगे, उनको हम लोग कहेंगे वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर, जिनके नाम क्या है, मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स, ओपेरा, गूगल क्रोम, एक चित्र। अब यहाँ पर अगर आपको देखना है कि और कौन कौन से हैं, तो पॉपुलर वेब ब्राउजर लिस्ट ये देखिए, ये सारे जितने आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे हमारे क्या हैं, वेब ब्राउजर हैं, जिन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, गूगल क्रोम, फ्रीवेयर, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रोम मिनी, क्रोमियम, वीवाल्ड, ब्रेव, यूसी ब्राउजर एक्सेट्रा। फिर वेब पेज क्या होता है, वेब पेज, वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। वेबसाइट क्या होता है, वेब पेजों का कलेक्शन होता है, और वेबसाइट का एक पेज ही हमारा क्या कहलाता है, वेब पेज, जिसमें एचटीएमएल में इंफॉर्मेशन लिखी होती है और वो हमारा आपस में कम्युनिकेट करने में मदद करता है। वेब एड्रेस, वेब एड्रेस क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये हमारा एड्रेस बार है, यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे इस एरिया को क्या बोलेंगे, वेब एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जैसे लिख दिए facebook.com, ये क्या हो गया, वेब हमने एड्रेस पे लिख दिया और हमारे सामने फेसबुक का पेज ओपन होके आ गया, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं, ये फेसबुक हो गया जिसपे आप सारी चीज़ें देख सकते हो, जो भी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब देखिए जब भी हमारा उसमें क्या क्या होता है, HTTP होता है, WWW होता है, UGC होता है, AC.NET होता है, एक्सेट्रा। सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन मैंने अभी आपको बताया, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है और yahoo.com, google.com, ये सारे हमारे सर्च इंजन है, जिसमें हम लोग कोई भी कीवर्ड डालते हैं और उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाती है।
देखिए, एडवांस फोटो एडिटिंग, फोटो मैनेजमेंट, ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें कंप्यूटर में इंस्टॉल करके उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ प्रिंटिंग डिजिटल इमेज, ओवरव्यू ऑफ प्रिंटिंग डिजिटल इमेज, पर्सनल फोटो प्रिंटर, पर्सनल फोटो प्रिंटर। कंपेरिजन ऑफ ऑडियो फाइल, ये सारी चीजें। कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, जब हमारा कंप्यूटर नेटवर्क खुल गया रहता है तो हम लोग वहाँ पर सिक्योरिटी की बात करते हैं। और सिक्योरिटी इन द सेंस ये है कि कंप्यूटर में सिक्योरिटी हम किस प्रकार से लगाएंगे, वो सारी चीज़ें हैं। क्योंकि कंप्यूटर में सिक्योरिटी लगाना इसलिए ज़रूरी है, जैसे हम लोग यूज़र बनाते हैं तो यूज़र में हम लोग पासवर्ड लगा देते हैं। ठीक है, कैसे पासवर्ड लगाते हैं देखिए, ये है माय कंप्यूटर, इस पर राइट क्लिक करिए, मैनेज में जाइए। जब आप मैनेज पर जाएंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन खुल के आएगी और उस पर, उस स्क्रीन पर हम लोग क्या करेंगे देखिए, हम अभी आपके सामने करके दिखलाते हैं। यहाँ पर देखिए लोकल यूज़र एंड ग्रुप मिलेगा, इसको एक्सपेंड करिए, यहाँ यूज़र मिलेगा। यूज़र में देखिए यहाँ पर होम है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक नया यूज़र बनाता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू यूज़र, यहाँ पर हमने दे दिया टेस्ट, ये क्या हो गया यूज़र का नाम, ये क्या करा दीजिए, चेंज कर दीजिए। अब देखिए टेस्ट की राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी पे जाइए, ये यहाँ से करा दीजिए। ठीक है, और ओके कर दीजिए और टेस्ट पे राइट क्लिक करिए, सेट पासवर्ड ऑप्शन आ गया, यहाँ पर आइए प्रोसेस, क्या पासवर्ड देना चाहते हैं, PEST और ओके कर दीजिए, पासवर्ड हैज बीन सेट। फिर देखिए राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी पे जाइए, ठीक है, मेंबर ऑफ प्रोफाइल ये सेवन, वो आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो आप यूज़र कैसे बनाते हैं और कैसे डिलीट करते हैं, राइट क्लिक करो डिलीट, ओके, आपका अकाउंट डिलीट हो गया। ठीक, ये हो गया पासवर्ड लगाने का तरीका, जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपको वो पासवर्ड मांगेगा। अब देखो बैकअप लेना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि इनकेस अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब हो गया या कुछ हो गया तो हमारा डाटा चला जाएगा। तो बैकअप लेने के लिए क्या है, हम लोगों का बैकअप मल्टीपल कॉपीज ऑफ योर डाटा का मतलब होता है बैकअप, और बैकअप बनाने के लिए हम लोगों को CD, पेन ड्राइव, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस के थ्रू हम लोग डेटा बना सकते हैं बैकअप। ठीक है, और उसको बैकअप बचाने के लिए हम लोग UPS लगा सकते हैं। UPS लगाने से क्या होगा कि हमारे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन लाइट जाने पर सेव रहेंगी। स्पेवेयर क्या होता है, स्पेवेयर एक प्रोग्राम है जो अगर इंस्टॉल है ऑन योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज, ठीक है, स्पेवेयर आर ए प्रोग्राम दैट गेट इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज। स्पेवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम है जिससे हमारी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में इंस्टॉल है हमारी बिना परमिशन की दूसरी जगह पहुंच जाती है। दे कैन स्ट्रिक्टली सेंड अवर इंफॉर्मेशन अबाउट योर ब्राउजिंग हैबिट और अदर पर्सनल डिटेल टू अनदर कंप्यूटर थ्रू द नेटवर्क और इंटरनेट स्कैम्स, ऑनलाइन predators, online predators are individual who lure anybody online into inappropriate and unethical relationship. ठीक है, ये है
डेडिकेटेड रे डेटा, स्टोरेज डेटा रिले, इंक्रिप्शन डेटा, इंस्टॉल एंटीवायरस एंड एंटीपीयर प्रोग्राम। अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए हमें एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए जो आपके सिस्टम को सिक्योर करेगा। फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए। फायरवॉल हार्डवेयर फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल दो प्रकार के होते हैं। इसको लगा करके आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। हाँ, और फायरवॉल कहाँ से लगता है देखिए, ये नेटवर्क है, इसको राइट क्लिक करिए, नेटवर्क खोलिए, नेटवर्क को देखिए, यहाँ पर चेंज एडवांस सेटिंग, ये है विंडोज फायरवॉल लास्ट ऑप्शन। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या है, अलाउ एप्स विंडोज फायरवॉल ऑन और ऑफ, यहाँ पर आप क्लिक करके इनकी सारी सेटिंग को आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या ऑन करना है क्या ऑफ करना है। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जब भी आप पासवर्ड बनाओ तो उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाओ। उस स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए कंडीशन क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इज इन योर प्राइमरी, यू डू दिस, लोकल एक्सेस कंप्यूटर एक्सेस नेटवर्क एक्सेस ओनली विजिबल डेटा पर्सनल डेटा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि द पासवर्ड शुड कंटेन कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस लोअर केस नंबर स्पेशल कैरेक्टर एंड एम्परसेंट एंड नंबर साइन। इन सब के कॉम्बिनेशन से जब हम लोग पासवर्ड बनाते हैं तो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, नोट पैड में लिख के दिखाता हूँ मैं, AAAHA@1234। यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो गया, कैपिटल लेटर भी यूज हो गया, स्मॉल लेटर भी यूज हो गया, एट द रेट भी हो गया और नंबर भी हो गया। इस तरह का जो बनेगा वो हमारा बनेगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। क्लियर ब्राउजिंग, कंट्रोल एच दबाइए, कंट्रोल एच। तो आपकी जो भी ब्राउजिंग आपने की हुई है, ठीक है, तो उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है क्लियर ब्राउजिंग डेटा। यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे तो आपने जो भी डेटा क्लियर, जो भी आपने ब्राउजिंग की है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ये हमारा सिक्योरिटी पर्पज से है। शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस एच। अपने एंटीवायरस को लगा करके रन कराइए वायरस स्कैनर, उससे एंटीवायरस से आपका सारा वायरस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और प्रोटेक्ट करिए, जब भी ना रहिए अपने सिस्टम को लॉग आउट करके जाइए ताकि कोई दूसरा उसे ओपन ना कर सके। ये सब छोटी छोटी हैं ऑनलाइन प्रोडक्टर्स। ऑनलाइन हम लोग चैटिंग पैटिंग सब कर सकते हैं इसमें। डेटा क्या होता है, डेटा बेस प्रोग्राम क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, डीवीडी, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रीवियस में बता चुके हैं। ये हमारी समरी एक प्रकार से। आइकन क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, किलोबाइट क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, मोबाइल फ़ोन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। वॉलपेपर क्या होता है, वॉलपेपर देखिए क्या होता है, ये जो बना हुआ है, दिस इज वॉलपेपर,
और ये जो है इसको करते हैं टास्क बार, ये है स्टार्ट बटन, ये है आइकन, ठीक है, और क्या है वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वर्क एरिया बता ही चुका हूँ, तो ये आपका यूनिट टू रहा। और इस यूनिट टू में स्पैम, स्पेवेयर, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। स्पैम क्या होता है, एक ईमेल मैसेज सेंड बाय अननोन सेंडर, स्पैम इज डिस्ट्रीब्यूट अ मैसेज टू मेनी रिसिपिएंट एट वंस टाइम, ये काम करता है। यूजर नेम क्या होता है, यूजर नेम एक प्रकार का आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर होता है जो हमें कंप्यूटर पर लॉग इन करने में मदद करता है। इसको हम लोग पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यूएसबी क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है जिसपे हम लोग कंप्यूटर के अदर पार्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। वायरस एंड बॉम्ब, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं क्योंकि चैप्टर भी खत्म हो गया।